हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी के लिए नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए और आपके परिवार के लिए आने वाला साल बहुत ज्यादा मंगलमय हो। यहां पर मैं ये जरूर विश करना चाहूंगा कि इस साल 2021 में आप सभी को एक गवर्नमेंट जॉब बैंकिंग की अगर आप एस्पेरेंट हैं तो आपको जरूर मिले। हाँ, जो लोग इस पहली बार जो है इस साल तैयारी करना चाह रहे हैं आईबीपीएस के एग्जाम्स की, तो उनको बताना चाहूंगा कि आईबीपीएस के लिए बेसिकली जो पीओ का एग्जाम होता है और क्लर्क का एग्जाम होता है और एसओ का एग्जाम होता है, इसके अलावा जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं आरआरबी का, तो इसका भी पीओ और क्लर्क का एग्जाम आता है। तो इसके लिए आईबीपीएस हर एक साल पहले से ही एक कैलेंडर जारी करके आप सभी को इंटीमेट कर देता है कि कौन सी डेट को आपका प्री का एग्जाम होगा और कौन सी डेट को आपका मेंस का एग्जाम होगा। तो इस बार 2021 के कैलेंडर के बारे में काफी लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये डिले होगा या इस बार कैलेंडर कब आएगा। थोड़ा सा आपको अगर ओवरव्यू दे दूं तो आईबीपीएस आपको हर एक साल, अगर मैं बात करूं 2018, 19 और 20, इसमें लगभग जनवरी के मिड में, मतलब 16-17 के आसपास में कैलेंडर हर एक साल जारी हो जाता है। तो इस बार भी हम उम्मीद करेंगे 2021 में भी ये कैलेंडर हमारा जनवरी के मिड में आ जाए और हमें हर एक एग्जामिनेशन की डेट पता चल जाए। और इससे यहां पर एक ये भी रोड मैप दोस्तों तैयार हो जाएगा कि जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब ये किसी भी तरीके से इंपैक्ट नहीं करेगा इस बार की आईबीपीएस की वैकेंसीज में, तो कैलेंडर से ये वाली बात बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगी। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि इस साल का जो सबसे पहला एग्जाम होता है आईबीपीएस का, वो दोस्तों होता है आईबीपीएस का आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक का एग्जाम। तो अगर हम बात करें, ये एग्जाम बेसिकली इसका जो नोटिफिकेशन या फिर सर्कुलर होता है ये लगभग जुलाई के मिड के आसपास में आने की पूरी इसकी प्रायोरिटी रहती है। और अगर ये जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाता है तो इसका जो प्रोसेस है ये दोस्तों आपका अगस्त से स्टार्ट हो जाता है प्री वगैरह के आपके एग्जाम्स, ठीक है। अब ये था कि 2020 में कोरोना के कारण बहुत सारे एग्जाम आपके डिले हुए, तो आप इतना देख सकते हैं कि फरवरी के एंड में, अगर मैं बात करूं फरवरी एंड 2021, इसमें आपके बहुत सारे मेंस के एग्जाम जो है वो ओवर हो जाएंगे। अब इतना आप जरूर समझ लें, क्या होता है कि आईबीपीएस हर एक साल 1 अप्रैल के आसपास में, अगर मैं बात करूं 2021 में, तो उस दिन प्रोविजनल अलॉटमेंट जारी करता है। जितने भी लोग जिन्होंने प्रीवियस ईयर में, मतलब 2020 में अपीयर किया था, उन सभी के कौन से बैंक किसको अलॉट हुई है, तो वो पता आपको चलता है 1 अप्रैल 2021 में। ये क्या होता है कि एंटायर मंथ में कभी भी ये आपका जो रिजल्ट है वो सारी चीजें अनाउंस हो जाती हैं। वैसे जो प्रायोरिटी है वो काफी ज्यादा हाई रहती है कि 1 अप्रैल को ही आईबीपीएस अपना रिजल्ट जारी कर दे, ऐसा पिछले दिनों वो करते हुए आया है। ओके, अब यहां पर एक चीज मैं आपको और दोस्तों बताना चाहूंगा कि जैसे कि ये हम देख लें कि जो मिड है, ओके, मिड में अगर हमारा सर्कुलर आ जाता है कैलेंडर का, तो हमें इससे ये अंदाजा लग जाएगा कि जुलाई में हमारा सबसे पहला एग्जाम आपका आईबीपीएस आरआरबी का कंडक्ट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप आज की डेट से ही, दैट मींस कि जनवरी ऑनवर्ड से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन को तैयार करने में जो टाइम लगता है वो लगता है लगभग, हम बात करें 6 महीने की तैयारी, अगर एक फ्रेशर कैंडिडेट है तो इसके लिए मोर देन इनफ होती है। 6 महीने में आप उस पेपर के प्री से लेकर मेंस तक की काफी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और जो आपका रीजनल रूरल बैंक का जो पहला एग्जाम पड़ेगा, इसके लिए अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं तो आपको ये परफेक्ट टाइम है कि आप जनवरी से स्टार्ट कर दें। मैं आप सभी को आने वाले दिनों में जो भी इसका सिलेबस होगा, एग्जाम पैटर्न होगा, बाकी सारी चीजें आपको एक एक करके पूरी वीडियो फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर बने रहें। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि जितने भी आपके बैंकिंग के एग्जाम आते हैं, अगर आप इनके लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि प्रैक्टिस मॉक के मॉक टेस्ट जो है वो कंप्लीटली, पहला मॉक तो फ्री होता है, अगर आप पूरे एक साल के लिए मॉक लेना चाहते हैं तो लगभग आपको 699 इतना अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है। ओके, और 3 महीने का प्लान अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें 399, इसमें आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों टाइप के टेस्ट शामिल होते हैं। तो पहले मैं चाहूंगा कि आप इस टाइप के मॉक टेस्ट का एक बार टेस्ट जरूर लें और देखें कि इसमें क्वेश्चंस कैसे दिए हैं। तो पहला मॉक टेस्ट फ्री है, जितने सारे आपको एग्जाम दिख रहे हैं ये सब के आप एक एक मॉक टेस्ट बना सकते हैं। तो लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आगे हम फिर मुलाकात करेंगे और मैं चाहूंगा कि ये साल आपका सिलेक्शन जरूर हो। इसके लिए दोस्तों आपको अभी से एक डेडिकेशन बनाना पड़ेगा और अगर आप जितना ज्यादा डेडिकेटेड तरीके से अपनी तैयारी को आगे ले जाएंगे तो जब एग्जाम आएगा तो उस दौरान आपको इतना ज्यादा, मतलब, एंग्जाइटी और आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो ये चीज से आप बच सकते हैं। तो अभी से ही दिस इज द राइट टाइम, परफेक्ट टाइम आप सभी के लिए कि आप इस एग्जाम को आगे लेकर जाएं। और हाँ, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन भी कर लें, करंट अफेयर्स फंडा सर्च करें और आपको हर एक अपडेट, आपका कोई क्वेश्चन हो, आपसे क्वांट रीजनिंग कोई पजल नहीं बन रही है, तो आप हमारा डिस्कशन ग्रुप कैफ स्टडी ग्रुप पे अगर आप सर्च करेंगे, ये टेलीग्राम पर आप सर्च करना कैफ स्टडी ग्रुप और करंट अफेयर्स फंडा, इससे आपको दोनों चीजें हमारी मिल जाएंगी। ओके, तो आगे हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आगे दोस्तों फिर मिलते हैं और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हुए जाना, और आने वाले टाइम पर हम यूं ही आपको हर एक नए नोटिफिकेशन के साथ में दोस्तों बताते रहेंगे।